क्या कहेंगे जो हजरत ने जब उनसे काफी कर। देखिए मैं ये मैटर बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा ताकि किसी प्रकार का कोई अफवाह या रूमर ना फैले पूरे ज़िले में। कल से ही अलग अलग तरह की अफवाह फैल रही हैं कि कुछ लोग दिल्ली से जो तबलीग के जमात चल रही थी निज़ामुद्दीन में, वहाँ से करनाल में आए हैं या मिले हैं। तो इसके संबंध में सबसे पहले तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इस संबंध में कोई किसी प्रकार की अफवाह ना फैलाए। यदि कोई अफवाह फैलाएगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे संबंधित जो जानकारी है, जो ऑथेंटिक जानकारी है, आपको SP ऑफिस से टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अब तक मैं बताना चाहूँगा कि कुल 8 व्यक्ति करनाल ज़िले के, उनका नाम मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहूँगा, कुल 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो दिल्ली उस जमात में जिन्होंने अटेंड की थी, 8 के 8 से हमारा संपर्क हो गया और 8 के 8 दिल्ली हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में है। कोई उनको सिम्टम नहीं है, लेकिन उनको एज अ प्रिकॉशनरी मेजर उनको दिल्ली हॉस्पिटल में रखा गया है और वो पिछले 4 महीने से बाहर है। पिछले 4 महीने से वो करनाल में एंटर नहीं किए। ये तो हो गए 8 व्यक्ति जो दिल्ली हैं। इनके अलावा एक व्यक्ति ऐसा है जो जमात अटेंड करके वापस करनाल आया है। कल रात हमने उसका मेडिकल चेकअप कराया, उसके परिवार का मेडिकल चेकअप कराया और जिस से उसका संपर्क रहा सबका मेडिकल चेकअप करा के उसको कुंजपुरा सैनिक स्कूल, जो हमारा क्वारंटाइन सेंटर है, वहाँ भेजा गया है। 9 व्यक्ति जिनका करनाल से संबंध है, जो दिल्ली उस तबलीग जमात जिन्होंने अटेंड की थी। इसके अलावा एक जींद का रेजिडेंट है, उसकी बेटी यहाँ करनाल में मैरिड है। वो जहाँ जहाँ गया उसके पूरे परिवार का मेडिकल चेकअप करा के उसको भी क्वारंटाइन सेंटर सैनिक स्कूल कुंजपुरा में भेजा गया है। इससे ज़्यादा अभी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये मैं वो बता रहा हूँ जो बिल्कुल वेरीफाइड है और कृपया इसके अलावा और कोई किसी तरह की अफवाह ना फैले। सुभाष गेट वाले जो थे, ये गलत अफवाह है? देखिए, जो सुभाष गेट के आसपास के कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो हो सकता है संपर्क में आए हों, तो उनको होम क्वारंटाइन किया गया है। तो मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसमें क्वारंटाइन 2 तरीके के, एक तो जो क्वारंटाइन सेंटर में भेजे गए हैं जिनसे उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ है, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करा के, अभी फिलहाल कोई ऐसे सिम्टम नहीं है, उनको तो कुछ क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया है। कुछ ऐसे हैं जो हो सकता है कि उनके संपर्क में आए हों, डायरेक्ट संपर्क में नहीं है, उनको होम क्वारंटाइन किया गया है। तो क्वारंटाइन करना किसी भी सूरत में ये नहीं दर्शाता है कि कोई उसे सिम्टम है या कोई पॉजिटिव केस है। यदि कोई भी सिम्टम होंगे तो उसे इमीडिएटली आइसोलेशन सेंटर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। तो अभी तक पूरे जिले में नेगेटिव है सभी रिपोर्ट? अभी तक आप जानते हो हम डेली 2 बार ये रिपोर्ट दे रहे हैं, अभी तक कोई पॉजिटिव केस नहीं है और मैं आशा करता हूँ कि इस बारे में कोई अफवाह भी नहीं फैलाएगा। सर, करनाल की जो मस्जिद वगैरह है वहाँ पर भी आपने इस तरह की कोई एक्टिविटी देखी हो या आपने कोई जांच के लिए आप लोग गए हो? देखिए, जितनी भी मस्जिद हैं वो हमने एक बार तो सारी चेक करा ली हैं। वहीं से जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जिससे स्पष्ट हुआ है कि जो जो व्यक्ति जहाँ जहाँ रुके उन सबको हमने ऑलरेडी क्वारंटाइन कर दिया है।